हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट बीइंग्स 100। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 1 बुक का चैप्टर नंबर 3, किनशिप कास्ट एंड क्लास। सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अर्ली सोसाइटीज़, और टाइम पीरियड स्टडी का वही रहेगा 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा टू 6th सेंचुरी कॉमन एरा, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और ये हम पूरा चैप्टर में आरंभिक सोसाइटी किस तरह की थी, क्या थॉट्स थे, क्या थिंकिंग थी, क्या आइडियोलॉजी थी, वही सब स्टडी करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो पे टारगेट है 20 लाइक्स का। और जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है लॉकडाउन की, कोविड पेंडेमिक की, वो सारी सब्सक्राइब बटन पर उसको हिट करके निकाल दो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब टॉपिक, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, यानी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम चैप्टर में महाभारत की स्टोरी डिस्कस नहीं करेंगे कि देयर वर कौरवास, देयर वर पांडवास और फिर उनके बीच में एक युद्ध हुआ, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन बनाया, और क्रिटिकल एडिशन होता क्या है, यानी ये जो समालोचनात्मक संस्करण है ये किस तरह से बनाया गया। सो 1919 में शुरुआत हुई क्रिटिकल एडिशन को बनाने की, और क्रिटिकल एडिशन बनाने का काम शुरू हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ V.S. सुखथांकर। अब ये V.S. सुखथांकर एक संस्कृत विद्वान हैं, एक संस्कृत स्कॉलर हैं, जिनके गाइडेंस में, जिनके लीडरशिप में ये काम स्टार्ट हुआ। अब इस काम में क्या था कि महाभारत के बारे में जितने भी अलग अलग जगहों पे, जितने भी रीजन्स में अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको इकट्ठा करना और उनकी स्टडी करना, और फिर देखना कि अलग अलग रीजन्स में क्या क्या वेरिएशंस मिलते हैं, और मतलब पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ इंडिया में, हर जगह पर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब को ढूँढा गया। उसके बाद में एनालाइज किया कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, और इससे हमें अर्ली सोसाइटी के बारे में, यानी जो आरंभिक समाज था, उसके बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसमें क्या करा गया, जितने भी श्लोक मिले उन सब की कंपैरिजन किया गया, उन सब की तुलना करी, और उसके बाद एक बड़ा सा क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया जिसका पब्लिकेशन 13,000 यानी 13,000 पेजों में हुआ। और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 47 ईयर्स लगे। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से दो बातें क्लियर हो चुकी थी। पहला तो ये था कि जो संस्कृत के अलग अलग भाग मिले थे, जो अलग अलग श्लोक, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स से, उनमें कई सारी सिमिलैरिटीज़ थी, और इसके अलावा डिफरेंसेस भी थे, यानी सिमिलैरिटीज़ भी थी और रीजन्स का जब हमने अलग अलग देखा तो उनमें कई सारी वेरिएशंस मिलती हैं, ये अलग अलग रीजन्स में रीजनल वेरिएशंस देखने को मिली। अब इन वेरिएशंस को दिखाने के लिए कि जैसे मान लो एक श्लोक कलेक्ट करा, तो नॉर्थ इंडिया में उस श्लोक में क्या वेरिएशन है, साउथ इंडिया में क्या वेरिएशन है, उसके लिए फुट नोट्स दिए गए, यानी एक श्लोक लिखा जाता था और उसके नीचे एक लाइन लगा कर अलग अलग रीजन्स में क्या क्या वेरिएशंस मिली वो सारी मेंशन करी गई। तो इस सब के बाद ये पूरा काम 13,000 पेजों में ख़त्म हुआ। अब इस सभी कलेक्शन से हिस्टोरियंस को कई चीज़ें पता लगी कि हाँ, पास्ट में भी डायलॉग्स होते थे, यानी जो एक डोमिनेंट ट्रेडिशन होता था और जो एक रिजिलिएंट ट्रेडिशन होता था, उनके बीच में भी डायलॉग्स होते थे, बातचीत होती थी, और कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी होता था, और कभी कभी कॉन्सेंसस यानी एग्रीमेंट वाली सिचुएशन भी बनती थी। और इसे कॉन्सेंसस या कन्फ्लिक्ट को हिंदी में संवाद, द्वंद्व और मतैक्य कहते हैं। अब इतनी सारी रीजनल वेरिएशन से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि उस समय भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रहे थे जिससे हमारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी। मूविंग ऑन टू सेकेंड सब टॉपिक, किनशिप एंड मैरिजेज, यानी बंधुता एवं विवाह। तो सबसे पहले हम इस सब टॉपिक में स्टडी करेंगे अबाउट द फैमिलीज, कि परिवार किस तरह के उस समय हुआ करते थे। सो अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो हम फैमिलीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अगर हमें एक क्राइटेरिया रखना हो कि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को फैमिली कहेंगे, तो दे आर हैविंग ब्लड रिलेशंस, ठीक है,
और साथ में वो अपने रिसोर्सेज, अपना फूड, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सो अब कुछ फैमिलीज और कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो ब्लड रिलेशंस को ही फैमिली मानते हैं, और कुछ सोसाइटीज़ में जो कजिन्स होते हैं उनको भी ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेटेड ही माना जाता है। बट अब अर्ली सोसाइटी में, आरंभिक समाज में क्या मान्यताएं थीं, परिवार किस तरह के हुआ करते थे, इस सब के बारे में जानकारी आसानी से नहीं मिलती। अगर हमें पर्टिकुलरली ये हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो इतिहासकार इसके लिए क्या करते हैं कि जो थॉट्स थे और जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट थे, जैसे धर्मशास्त्र हो गए जिनके बारे में चैप्टर 2 में डिस्कस करा, सो उसमें क्या रूल्स थे, क्या नॉर्म्स थे, और जनरली क्या होता था कि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते थे जिसमें लिखा होता था कि ये रूल्स एंड ये नॉर्म्स हैं, और कुछ किताबें ऐसी होती थी जिसमें अलग अलग लोगों के उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कमेंट होते थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सोसाइटी में अलग अलग लोग, अलग अलग फैमिलीज जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती थी, उस समय कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम जो था, जो बहुत डोमिनेंट था, तो अलग अलग वर्णास किस तरह से इंटरैक्ट करते थे, ये सब हमें काफ़ी जानकारी ऐसे टेक्स्ट से मिल जाती है। फैमिलियल टाइज को समझना और फैमिलीज किस तरह की रही होंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस बात पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है कि हाँ सोसाइटी किस तरह की होगी, किंग्स के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में, यानी राजा और प्रजा के बीच में क्या रिलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, यानी पितृवंशिकता। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी क्या होती है। सो जब हम डिसेंडेंट्स को फादर टू सन ट्रेस करते हैं, यानी जब हम वंश परंपरा को पिता पुत्र फिर उसके बाद ग्रैंडसन इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो वो होता है पैट्रिलिनी। और वहीं जब हम माँ पुत्री इस तरह से एक वंश परंपरा को पढ़ते हैं, एक डिसेंडेंट्स को पढ़ते हैं, तो वो होती है मैट्रिलिनी। सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैट्रिलिनी के आइडियल्स क्या थे, यानी जो पितृवंशिक व्यवस्था थी उसके आदर्श क्या थे, कि पितृवंश व्यवस्था जो अभी तक पैट्रियार्कल सोसाइटी जो इंडिया में है उसके मेन फीचर्स क्या थे। पैट्रिलिनी को समझने के लिए हम महाभारता की स्टोरी का ही यूज़ करेंगे। सो महाभारत में क्या होता है, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद पांडव जीतते हैं और पांडव शासन चलाते हैं। तो अब ये शासन में पहले पिता राजा बनता है, फिर पुत्र राजा बनता है। सो पैट्रिलिनी यानी पितृवंशिकता को फॉलो किया जाता था, और सभी जो राजा महाराजा होते थे, जो राजघराने होते थे, उसमें भी पैट्रिलिनी ही चलती थी। तो पिता के बाद पुत्र राजा बनता था, और अगर पुत्र नहीं होता था तो जो उत्तराधिकारी होता था वो कोई भी कज़न या कोई भी रिलेटिव बनता था। पर कुछ हमने एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे पिछले चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रभावती गुप्ता। सो वो डॉटर थी, वो एक लेडी थी, बट फिर भी उन्होंने पूरा रूल चलाया, पूरा शासन चलाया। ऋग्वेद या जो भी पुरानी राइटिंग्स हैं उसमें भी ये बात क्लियर है कि जो सभी धनी वर्ग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भी पितृवंशिकता वाली सोच रखते थे, यानी पैट्रिलिनियल सोसाइटी में ही मानते थे। अब एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह की सोसाइटी थी, सोसाइटी थी पैट्रिलिनियल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो अब इस सोसाइटी में सन्स और डॉटर्स को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, या शादियों के लिए, मैरिजेस के लिए, विवाहों के लिए क्या रूल्स थे। सो इस व्यवस्था में ऐसा मानते थे कि जो सन हैं, जो बेटे हैं, वो वंश को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वहीं डॉटर्स के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट नज़रिया था। सो ऐसा माना जाता था कि डॉटर्स जो हैं उनका जो प्रॉपर्टी है, जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा डॉटर्स की सही टाइम पर राइट टाइम एंड एट राइट पर्सन के साथ मैरिज यानी शादी की जाती थी। अब इसके साथ ही एक नए बिलीफ का भी राइज हुआ, जो था द बिलीफ ऑफ कन्यादाना। अब देन धीरे धीरे कन्यादान जो था वो एक फादर की एक मॉरल ड्यूटी बन गया। पर जब न्यू टाउन्स आने लगे, न्यू थिंकिंग डेवलप होने लगी, और जब अलग अलग एरियाज़ के लोग आपस में मिलने लगे,
तो अल्टीमेटली इन थॉट्स पर क्वेश्चनिंग भी की जाने लगी, यानी जो बिलीव्स थे अगर कोई बिलीव्स सही नहीं लगते थे तो उनके अगेंस्ट लोग क्वेश्चन यानी सवाल भी खड़ा करते थे। सो फिर उस समय ब्राह्मणों ने क्या करा कि जो उनकी राइटिंग्स थी उनको दोबारा से रिफॉर्म करना शुरू करा। अब ब्राह्मणास ने कंपोज किए मनुस्मृति, धर्मशास्त्रास, तो इसमें सभी चीज़ों के लिए रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए। सोसाइटी को चार वर्णों में डिवाइड करा, और ये वर्णों का जो डिवीजन था वो उन्होंने किस बेसिस पर करा और क्या स्ट्रैटेजी को यूज़ करी अपनी थिंकिंग को यूनिवर्सल प्रूफ करने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हम 8 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं जो इस टॉपिक से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और धर्मशास्त्रों में अब ब्राह्मणों ने 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में भी लिखा, यानी मैरिज के 8 फॉर्म्स हैं, 8 तरीके हैं, और उसमें से जो फर्स्ट 4 मैरिजेस हैं उनको ही अच्छा माना गया। सो हमने 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस करा, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। सो बेसिकली 4 टाइप्स की मैरिजेस होती थी। सो फर्स्ट 2 हैं एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। सो एक्सोगैमी बेसिकली था द मैरिज आउटसाइड द गोत्र, और एंडोगैमी यानी अंतर विवाह था मैरिज इनसाइड द गोत्र, यानी सेम गोत्र के अंदर विवाह। और 2 और टाइप्स की मैरिजेस थी, पॉलीगनी एंड पॉलीगैंड्री। सो ये क्या है? पॉलीगनी होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइव्स, और पॉलीगैंड्री ऑपोजिट द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। और ये जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं ये 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस से डिफरेंट हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट वर दी गोत्रास। सो 1000 BC में ब्राह्मणास ने लोगों को अब डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करना फिर से शुरू करा, और वो ग्रुप्स अब थे गोत्रास। और ये जो गोत्रास होते थे ये किसी वैदिक सीयर यानी जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम पर रखे जाते थे। नाउ कमिंग टू आवर मेन सब टॉपिक, द गोत्र ऑफ वुमेन, यानी जो स्त्री हैं उनका गोत्र। सो अब ये जो गोत्रास थे ये हमने डिस्कस कर लिया कि गोत्रास किसके नाम पर थे, वैदिक सीयर्स यानी जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम पर ये गोत्रास रखे जाते थे। अब गोत्रा के बारे में 2 रूल्स थे, पर्टिकुलरली 2 रूल्स थे, वो क्या थे कि वुमेन्स वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रास ऑन मैरिज, एंड दे हैव टू अडॉप्ट देयर हस्बैंड गोत्रा आफ्टर मैरिज। जो पुत्री है वो जब उसका विवाह होगा तो वो अपने फादर के जो गोत्र है उसको छोड़कर अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करेंगी। सो ये कुछ रूल्स थे उस समय के। सो अब कभी कभी लोगों के जो नेम होते थे वो भी उनके गोत्र से ही निकले होते थे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सातवाहना। सो ये जो नेम्स हैं जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलामई, तो ये गौतमा। सो ये सब क्या हैं? गोत्रा के नेम्स हैं। और देखो गोत्रा का नेम है गौतमा, बट उसको फेमाइन फॉर्म दिया गया है, यानी उसको फीमेल के लिए गौतमा से गौतमी कर दिया। सो जो अब ये देखो सातवाहना जो किंग्स थे उन्होंने अपने मदर के नेम को अपने नेम के आगे रखा, जैसे गौतमी पुता। सो गौतमी क्या है? ये उनकी मदर का नाम है जो कि उनके फादर के ही गोत्रा से लिया गया है। और सातवाहनास ने फिर अपने नाम से पहले अपनी मदर के नेम्स को फिक्स करा, उसके बाद में लगाया पुता यानी सन, राजा गौतमी पुता श्री सातकर्णी। सो ये जो नेम्स हैं जो इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलते हैं इससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि राजाओं के अपनी मदर्स के प्रति क्या एटीट्यूड थे, और इसके अलावा जो गोत्रा सिस्टम था उसको कितना माना जाता था। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि जो फादर का गोत्रा है उसको भी विमेन शादी के बाद अडॉप्टेड रखती थी, सो वो अपने नेम्स को अपने गोत्र को चेंज नहीं करती थी। सातवाहनास के बारे में अभी एक इंस्क्रिप्शन से कुछ नेम्स जो थे वो डिस्कस करें। अब कुछ सातवाहना रूलर्स पॉलिग्नस थे, मतलब पॉलिग्नस मतलब कि रूलर्स की कई वाइव्स थी। अब हमने डिस्कस करा कि कैसे उनके नेम्स के आगे उनकी मदर्स के नेम लगाए गए हैं, देन पुत्र यानी सन वर्ड का यूज़ करके उसके बाद में राजा का नाम है। सो इससे हमें पता चलता है कि द मदर्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और साथ साथ एट सम इंस्टेंसेस हमने देखा है कि जो लड़कियां होती थीं वो अपने फादर के गोत्र को ही शादी के बाद भी कंटिन्यू करती थीं। सो ये था कि नॉर्म्स कितने माने जाते थे, और सभी ऐसा नहीं था कि सभी लोग नॉर्म्स को मान रहे हैं, कुछ लोग उन नॉर्म्स के अगेंस्ट भी रहते थे, और यही हमने अभी एग्जाम्पल से देखा।
अब इसके अलावा एक्सोगैमी यानी बहिर्विवाह जो होता था उसी को एक्सेप्टेड माना जाता था, बट कहीं कहीं पर एंडोगैमी जैसी प्रथाएं भी चलती थी। और एंडोगैमी यानी सेम गोत्र के अंदर शादी करने से क्या होता था कि क्लोज निट कम्युनिटी बनती थी, मतलब कि लोग आसपास एक दूसरे से ऐसे इंटर रिलेटेड हो जाते थे। सो अब हमने अभी डिस्कस करा था कि डॉटर्स को इस व्यू में किस तरह से देखा जाता था। अब हम देखेंगे कि मदर्स के प्रति क्या एटीट्यूड था, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट। सो अभी हमने सातवाहना रूलर्स के नेम्स देखे, तो उन्होंने अपनी मदर के नेम से निकले हुए नेम्स को कंटिन्यू किया। इससे हमें ये पता चलता है कि मदर्स वर इम्पॉर्टेंट, दे वर रिस्पेक्टेड एंड उनकी एक हाई पोजिशन होती थी, बट फिर भी जो वंश चलता था वो पितृवंशिकता यानी पैट्रिलिनी के हिसाब से ही चलता था। पिता के बाद पुत्र ही राजा बनता था और पुत्री बहुत कम इंस्टांसेस में ही हमें देखने को मिला है कि उन्होंने शासन चलाया। जैसे हमने एक प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल देखा था, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे रुद्रमा देवी, सो यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाकी अधिकतर पैट्रिलिनियल सक्सेशन यानी पितृवंशिकता से ही शासन स्थापित होता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू कैन रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।